हमारे एनसीईआरटी में तीन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया गया। पहला है अस्थमा, देन एम्फाइसीमा एंड द लास्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वन बाय वन हम समझेंगे, ठीक। इसे मैं एक एरो के फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, ठीक। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा तो आप सभी जानते होंगे कि अस्थमा में सांस लेने की तकलीफ होती है, ठीक। सांस लेने में तकलीफ होती है अस्थमा में, वो कैसे? हमारा जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है, इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि रेडनेस हो जाएगा और स्वेलिंग यानी सूजन हो जाएगी, ठीक। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें एक पार्ट है ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बारे में, ठीक। तो इसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने की वजह से ही हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, वही है अस्थमा। देख लेते हैं एक बार, अस्थमा जो है इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होगी ड्यू टू, ठीक, किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। अब हम सेकंड देख लेते हैं जो कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा अब ये क्या है? देखिए, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें एम्फाइसीमा होने का चांसेस है। इसलिए बोलते हैं ना सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक। इसमें होता क्या है एम्फाइसीमा में? देखिए, जब हम सिगरेट ज्यादा पियेंगे तो जो हमारा एल्वियोलर वॉल है, हमारा जो एल्वियोलाई है जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उसके वॉल जो होती है ना वो डैमेज हो जाएगी। वॉल डैमेज होने की वजह से उसका सरफेस कम हो जाएगा, सरफेस कम होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी कम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसमें होता कैसे है, क्या होता है। जो एम्फाइसीमा है ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से होता है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर बोले तो लंबे समय से चले आने वाला, ठीक, मतलब तुरंत सिगरेट पीने से नहीं, लंबे टाइम से हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो जाके हमें जो डिसऑर्डर होगा उसे हम बोलेंगे क्रॉनिक डिसऑर्डर, लंबे टाइम से होने वाले को बोलते हैं। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये, ठीक। इसमें क्या होता है? डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल, हमारा जो एल्वियोलाई का वॉल है वो डैमेज हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। फिर क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, वो भी डैमेज हो जाएगा। ये डैमेज होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक। ये हो गया हमारा एम्फाइसीमा। अब सेकंड लास्ट वन आता है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये पहले समझते हैं हम, कोई अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पर ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग होता है यानी पिसाई होती है, ठीक, तो क्या होता है? वहां बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत डस्ट निकलता है। अब जो काम कर रहा है वो सांस जब लेगा तो सांस लेने के साथ साथ डस्ट भी उसके साथ जाएगा, ठीक, डस्ट को भी इनहेल कर लेगा। हमारा जो लंग्स है ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी कि डिफेंस लड़ता है फॉरेन पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक, यानी हार्मफुल है, उससे ये लड़ता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कब तक लड़ेगा, ठीक, कितने हद तक लड़ेगा? अब जो वहीं पर रह रहा है वो कितना ज्यादा डस्ट इनहेल करेगा, तो हमारा बॉडी हमेशा तो लड़ नहीं पाएगा ना कभी तो थकेगा ना। तो क्या होता है, जब ज्यादा ही हम इनहेल कर लेंगे उस टाइम पे हमें हो जाता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस बोले तो जो पॉलीफोरेशन हो जाएगा हमारे फाइब्रिक टिश्यू में पॉलीफोरेशन हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा एल्वियोलाई वॉल था, ठीक, जो हमारा लंग्स था उसमें थिक हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगी। जो पहले हमारा जो वॉल है वो थिन रहता है, थिन रहने की वजह से गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होता है। अब जो वही थिक हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होगी, हमारा लंग्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसलिए बोलते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को प्रॉपर मास्क पहन के रखे रहना चाहिए, ठीक, ताकि वो बच सके डस्ट से, हार्मफुल गैसेस से, ठीक। एक बार समझ लेते हैं, जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, जो कोई वर्कर काम कर रहा होता है इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में जहां ग्राइंडिंग या फिर स्टोन ब्रेकिंग होती है, वहां बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब लंबे समय से वही काम कर रहा है तो उस डस्ट के साथ मतलब इनहेल करे जा रहा है, लॉन्ग एक्सपोजर मतलब कि हमेशा वही पर ज्यादा लंबे समय से डस्ट के साथ रह रहा है, इनहेल कर रहा है, तो फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वही स्वेलिंग रेडनेस, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस यानी कि हमारे जो फाइब्रिक टिश्यू है उसमें पॉलीफरेशन हो जाता है, थिक हो जाता है हमारा वॉल जो है, लंग्स जो एल्वियोलाई जो वॉल है, थिक होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं, तो हमारा लंग्स जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक, लंग्स डैमेज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलिकोसिस, ठीक, सिलिका से होने की वजह से जो होता है उसे हम सिलिकोसिस बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं जो वहां जो काम करता है वो प्रॉपर मास्क पहन के रहे। आज के लिए इतना ही, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले देखिए अस्थमा में हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, किसके वजह से, जो हमारा ब्रोंकाई ब्रोंकियोस था उसमें इन्फ्लामेशन हो गया था। सेकेंड था हमारा एम्फाइसीमा, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका जो एल्वियोलाई वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है, इसे हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। लास्ट वाला था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, जो लोग वर्कर ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां स्टोन ब्रेकिंग होता है या फिर ग्राइंडिंग होता है, पिसाई होती है, तो ऐसे एरिया में जो काम करते हैं उन लोगों को मास्क पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जो डस्ट प्रोड्यूस होता है इनहेल करते जाएंगे लंबे समय तक, तो उन लोगों का लंग्स डैमेज होने का चांस रहता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।